अच्छा भाई, पेट्रोल का बुहरान है, हर तरफ पेट्रोल पेट्रोल की दुहाई है, पेट्रोल पंपों के ऊपर बड़ी लाइनें हैं। मामला यह है कि डीलर्स एसोसिएशन, जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, वो कहती है कि हमारा पेट्रोल के पीछे जो मार्जिन है वो कम है, 6% वो अभी ले रहे हैं, वो कहते हैं इसे बढ़ाया जाए, और हुकूमत अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। जरील अखबार हमेशा की तरह आवाम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जितनी रिपोर्टिंग हो रही है, पेट्रोल पंपों के बाहर से भी हो रही है, बताया जा रहा है कि लंबी लंबी लाइनें हैं, जो ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो रहा है उसको भी देखा जा रहा है, जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है उसको भी देखा जा रहा है, पेट्रोलियम क्राइसिस को भी कवर किया जा रहा है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी और जो मोबिलिटी है उसके ऊपर असर आएगा। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि भाईजान, इसके अंदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ज़्यादा ठीक कह रही है, हुकूमत की गलती है, क्योंकि पिसना तो एंड पे लोगों ने ही है और वो बेचारे पिस रहे हैं। ये हमें कौन बताएगा? ये अदाद व शुमार बताएंगे, जो कि अभी तक किसी ने वो खास रिपोर्ट नहीं की है। अगर हम इन अदाद व शुमार को देखें तो हमें समझ आती है कि मामला कहाँ पर गलत है और कहाँ पर ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ अदाद व शुमार लेकर आया हूँ, जिससे हमें ये मालूम होगा कि माहाना और सालाना कितने अरब रुपए किसकी जेबों में जाते हैं, और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कितने अरब जो है अपनी जेब में डालती है, और लोगों की जेब में से कितने पैसे निकलते हैं। और फिर ये भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर बिजनेस करना पेट्रोल का क्या फ़ायदेमंद है, क्या उसका कोई मुनाफा है, क्या 6% के ऊपर भी इनको कोई मुनाफा हो रहा है, या सरमायाकारी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये मुनाफा कम है। शुरू करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑगरा की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पिछले 2 सालों के अंदर मैंने जो रिपोर्ट्स देखी कि 20.03 मिलियन टन ये खपत है हमारी सालाना पेट्रोल की, पेट्रोलियम मसनूआत की पाकिस्तान के अंदर। ये तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद लीटर टन बनते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की खपत के। और अगर हम इनको लीटर में निकालें कि साल में पाकिस्तानी कौम पेट्रोलियम मसनूआत कितने लीटर इस्तेमाल करती है, तो ये तकरीबन 22,93,43,50,000 लीटर सालाना बनते हैं। यानी आप रफली कह सकते हैं कि 23 अरब लीटर हम सालाना तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। अब अगर 6% के हिसाब से इस वक्त अगर हम पेट्रोल की कीमत ही ले लें और उसके हिसाब से अगर हम इनका प्रॉफिट मार्जिन निकालना शुरू करें, तो ये प्रॉफिट मार्जिन जा पहुंचता है 2,90,85,50,06,000 रुपये। यानी हम रफली कह सकते हैं कि 3 अरब के आसपास ये प्रॉफिट मार्जिन है जो कि साल के अंदर पेट्रोल पंप मालकान जो डीलर्स हैं इनका बनता है, अगर यही रेट जो है इस पर कंटिन्यू ये रेट रहे। अब सवाल ये है कि ये जो रेट कंटिन्यू अगर इससे नीचे की हमें कोई उम्मीद नहीं दिलाई जा रही, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक पेट्रोल पंप का कितना ये प्रॉफिट मार्जिन बनता है। हमने देखा कि 3 खरब रुपए के आसपास, 3 खरब रुपए के आसपास पेट्रोलियम का ये पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का ये मार्जिन जो है उनको दिया जाता है। तो पाकिस्तान के अगर हम पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो 8,000 के करीब पेट्रोल पंप्स पाकिस्तान के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा PSO के हैं जो कि तकरीबन 3775 हैं, जो फिगर्स सामने आ रही हैं। शेल के 800 के करीब हैं, 779, और एडमोर के और मिला के कॉल्टेक्स के कुछ 900 के करीब हैं, और इसी तरीके से बाकी जो पेट्रोल पंप्स हैं उसमें टोटल गो और बाकी जो कंपनीज हैं उनके पेट्रोल पंप्स इसके अंदर शामिल हैं। 8,000 भी अगर हम इनकी तादाद लगा लें जो कि करीब है 8,000 के, तो और इसको डिवाइड करें 2,90,50,06,000 रुपए को, यानी तकरीबन रफली 3 खरब रुपए को हम डिवाइड करें तो हर पेट्रोल पंप के हिस्से में तकरीबन 21 लाख रुपए आते हैं। 21 लाख रुपए एक पेट्रोल पंप इस वक्त के मार्जिन के ऊपर एक पेट्रोलियम डीलर जो है वो कमा रहा है। अब एक अगर जो पेट्रोलियम डीलर इतने रुपए कमा रहा है तो सवाल ये है कि इनका खर्चा कितना है। इस हवाले से एक बड़ी सीधी सी रिपोर्ट है, जो बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, और जो रिपोर्ट का उनवान है वो है एक्सप्लोरिंग द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स इन पाकिस्तान। एक पेट्रोल पम्प जो है इनकी बात हो रही है, इसकी लंबी चौड़ी उन्होंने बड़ी डिटेल के अंदर ब्रेकडाउन दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो तकरीबन वो 11 लाख रुपए के करीब इसका खर्चा निकालते हैं, और उन्होंने बेस्ट एवरेजेस रखी हुई हैं कि आप हाईएस्ट सैलरी पे कर रहे हैं अपनी लेबर को, 50 से 60 लोग जो कि मोस्ट एक्सटेंसिव लेबर एम्प्लॉयमेंट है किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर, इतनी होती नहीं है। आप जाके उनसे उनकी तनख्वाहें पूछ लें, वो उनकी इतनी नहीं होती। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो इवन जो गवर्नमेंट दे रही है तनख्वाह उससे भी ज़्यादा तनख्वाह बताई हुई है जो एक मजदूर।
जो एक दिहाड़ी के ऊपर सैलरी होती है 20+ थाउजेंड, उन्होंने फिर बिजली के उन्होंने खर्चे, फिर उन्होंने ये भी अज्यूम किया हुआ, उन्होंने तो खैर डिविजन्स की हुई हैं कि रूरल बैकग्राउंड, रूरल जगहों पे पेट्रोल पंप्स के क्या खर्चे हैं, वो भी हाईएस्ट रैंक के साथ हैं, और फिर जो अर्बन है ऑफ रोड ऑन रोड उसकी डिवीजन है, लेकिन एवरेज वो निकाल रहे हैं 11 लाख रुपया खर्चा। सो 11 लाख रुपया खर्चा है, 20 से 21 लाख रुपया जनाब आपकी आपको सिर्फ इसकी मार्जिन के अंदर प्रॉफिट है, यानी आपने जो इनकी रनिंग कॉस्ट जो पूरी करनी है उसकी प्रॉफिट है। तो ये फिर भी 100% खर्चे के बाद भी उतनी ही रकम तकरीबन बचती है कि आप अपने खर्च जो मामलात हैं उनको चला सकें। सो ये डिवीजन है पेट्रोल पंप्स की। तो फैसला आपने करना है कि खरबों रुपये इनकी जेब में जा रहे हैं, उसके बावजूद पेट्रोलियम मार्जिन तकरीबन आपको मैंने निकाल के बताए हैं कि ये 100% पे तो सही डबल डबल तो है ही, लेकिन फिर भी सरमायादारी जितनी सरमायाकारी होती है उसके मुकाबले पे क्या ये मार्जिन्स ठीक हैं। पाकिस्तान के अंदर एक लुक्रेटिव बिजनेस है, और ये याद रखें कि ये जो मैंने आपको ज़्यादा शुमार बताए ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की सेल के हैं, इसके अंदर जो दीगर एक्टिविटीज़ पेट्रोल पम्प के ऊपर होती हैं, वॉशिंग एरियाज होते हैं, कार वॉश होती है, उसके अलावा वहाँ पर टक शॉप्स होती हैं, टायर शॉप्स होती हैं, इसका कोई अभी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। सो ये सिर्फ पेट्रोलियम सेल से हासिल होने वाली कॉस्ट है, और अच्छी भली इसकी इसका भी मार्जिन है। खलीद क्यानी साहब डॉन के लिए उन्होंने स्टोरी की है, उसमें वो बता रहे हैं कि हुकूमत ने एक बिल तैयार किया, वो एक तजावीज़ तैयार की हुई है जिसमें इनको 20% तक इनको मार्जिन देने की तजवीज़ है। अगर 20% अगर उस मार्जिन को डिस्कस करें तो 29 रुपये फी लीटर इस वक्त की कीमत के हिसाब से इनका मार्जिन बन जाएगा, और इस वो अगर होता है तो फिर तो भैया इनको 6,65,96,15,00,000 रुपये मिलेंगे। यानी अगर इस वक्त वो कमा रहे हैं, इस वक्त उनका एक पेट्रोल पम्प का एवरेज 21 लाख रुपये बन रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई तकरीबन 2 कर लें, बल्कि 2.5 कर लें, तो इनका मार्जिन तकरीबन 40 लाख के अराउंड पहुंच जाता है। तो पंप का तो क्या खर्चे उतने हिसाब से बढ़ेंगे, क्या ये वो खर्चों को मिनिमाइज नहीं करते, क्या ये पूरी पूरी तादाद को कम नहीं करते, ये क्वेश्चन हैं। ये एक आम बंदे को भी सोचना है कि यहाँ पर हुकूमत गलत है कि पेट्रोल पम्प मालकान है। मैंने आपके सामने फिगर्स रख दी हैं और फिगर्स खुद बोल रहे हैं कि कहाँ पर क्या गलती है और हुकूमत यहाँ पर क्या नहीं कर सकती और क्या कर सकती है। ये पेट्रोल पंप के इस पूरे क्राइसिस के ऊपर एक टेक मेरा जो कि अदादोशुमार के साथ है, मैंने अदादोशुमार आपके आगे रखे हैं। फैसला आप कीजिए कि कौन कहां पर गलत है, क्योंकि जलीलो ख्वार तो आप और मैं ही हो रहे हैं।